124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण। चौबीसवीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता रायपुर में शुरू। देश भर के करीब 2500 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। खेलो इंडिया के दूसरे संस्करण का खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पुणे में किया उद्घाटन। और बस्तर में इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित 1700 से अधिक आदिवासी किसानों की जमीन वापस करने सरकार ने जारी किया आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। संसद ने 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया है। इस विधेयक में अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में 10% आरक्षण देने का प्रावधान है। राज्यसभा में कल रात इस विधेयक को पास किया गया, जबकि लोकसभा में यह पहले ही पारित हो चुका था। विधेयक पर राज्यसभा में 10 घंटे तक बहस चली। बहस के दौरान प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य लक्षित लाभार्थियों को आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगड़ी जातियों के आरक्षण से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के मौजूदा कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन से कि जो एससी एसटी और ओबीसी की आबादी है उस आबादी का भी आंकड़ा टोटल आंकड़े के साथ जोड़ लिया और ये कह दिया कि 98% है, इतने प्रतिशत है, इतने प्रतिशत है। एससी एसटी ओबीसी को जो लगभग 49% का आरक्षण है वो 49% इससे अलग रहेगा। उस आरक्षण को कृपया उस सीलिंग को उस सीलिंग को हमने टच करने का प्रयास नहीं किया, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अपनी बात कहो, आरक्षण बरकरार रहेगा। नागर जी अपनी जगह बैठे। और जो वर्तमान आरक्षण की व्यवस्था है उस दायरे में नहीं आने वाले ऐसे सामान्य वर्ग के लोग हैं और गरीबी रेखा के आसपास जीवन यापन करने वाले हैं, उसमें इसमें वो ही लोग आएंगे। बहस में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन उन्होंने इसे लाए जाने के समय पर सवाल उठाए। विधेयक को समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी और बसपा सहित कुछ अन्य दलों का समर्थन प्राप्त हुआ। 24वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कल देर शाम रायपुर में शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में देश भर के करीब 2500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ खिलाड़ियों ने मशाल जलाकर किया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी चुनौतीपूर्ण कार्यों के बावजूद खेल गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं, ये प्रशंसनीय है। मुझे इस बात को बताते हुए आपको बहुत खुशी है कि जो आज पर्यावरण के क्षेत्र में सारी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा खतरा है जिसके ऊपर बड़े बड़े कॉप के समिट होते हैं और उसके संदर्भ में सारी दुनिया के लोगों ने पेरिस के अंदर और दूसरे कॉप के अंदर दस्तखत करके संकल्प लिए हैं मिलजुल कर इसके खतरे को लड़ने के लिए, इस खतरे से देश को और दुनिया को और मानवता को बचाने के लिए। उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत सारे संसार के अंदर फ्रंट से लीड कर रहा है और जो हमने पूरी दुनिया के सामने कमिटमेंट्स किए हैं कि किस प्रकार से हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि शायद भारत एक अकेला ऐसा देश है जो अपने 2020 से 2030 के लिए जो उसने टारगेट्स प्रॉमिस किए हैं वो समय से बहुत पहले जो है वो पूरा करने की स्थिति में आया है और उसको सारी दुनिया ने
अप्रिशिएट करना शुरू किया है। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ वन संपदा से संपन्न प्रदेश है। यहां विश्वव्यापी ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को भांपकर वनों को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने वन खेल में भाग लेने आए खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि ये खिलाड़ी छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति की मधुर स्मृति लेकर लौटेंगे। इसी तरह से बढ़ाएंगे, खासकर जो ग्रामीण अंचल में जो हमारे बच्चे अभाव में भाग नहीं ले पाते, लेकिन उसमें उसमें क्षमता है, योग्यता है, उसको पहचान कर आगे बढ़ाने के लिए जो भी लगे, निश्चित रूप से चाहे तैराकी हो, चाहे तीरंदाजी हो, बहुत सारे खेल है, एथलीट्स है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बच्चे बहुत बहुत संभावनाएं हैं, उसको तराश के आगे बढ़ाएं। इस दौरान भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि छत्तीसगढ़ का क्रिकेट स्टेडियम विश्व के बेहतरीन स्टेडियमों में शामिल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ खेल के क्षेत्र में विशेष पहचान बनाएगा। To get an opportunity to come to Raipur again, one of the most progressive states, Chhattisgarh. I've always enjoyed coming here, especially during the IPL, playing in one of the fabulous ground, not only in India but in world cricket. So I wish all the participants of this 24th All India Forest Sports Meet all the very best, and 37 participating teams, 2,400 participants. I'm sure next 5 days will be very, very good, fruitful for them and very, very memorable for them. समारोह के शुरुआत में खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया, अतिथियों ने मार्च पास्ट की सलामी ली। खेलो इंडिया युवा खेल का दूसरा संस्करण कल शाम पुणे में शुरू हुआ। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पुणे में 12 दिन के इस खेल आयोजन का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री राठौड़ ने कहा कि खेलो इंडिया के इस दूसरे संस्करण से 1,000 खिलाड़ी चुने जाएंगे, जिन्हें प्रतिवर्ष 5,00,000 रूपये की राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके विजन और जिनकी ताकत के बदौलत आज हम दूसरा खेलो इंडिया कर रहे हैं। पहले में 3,500 खिलाड़ी आए थे, और दूसरे की सफलता आप इससे समझ सकते हैं कि आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स पुणे महाराष्ट्र में 10,000 पार्टिसिपेंट्स आए हैं। अब आपको तैयार होना है मुकाबला करने के लिए। तैयार हो मुकाबला करने के लिए, क्योंकि आप में से 1,000 खिलाड़ी चुने जाएंगे जिनको हर साल 5,00,000 रुपए दिया जाएगा, और अगले 8 साल तक लगातार 5,00,000 रुपए दिया जाएगा। आप मजबूत बनेंगे तो देश मजबूत बनेगा, आप खेलेंगे तो देश खेलेगा। पहले दिन के खेल में दिल्ली ने 5, महाराष्ट्र ने 3 और हरियाणा ने 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। मणिपुर, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को 1-1 स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। भारोत्तोलन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों के मालिक 1707 भू विस्थापित आदिवासी किसान परिवारों को उनकी करीब 4400 एकड़ जमीन वापस की जाएगी। मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। शासन द्वारा जारी परिपत्र में 10 गांवों के किसानों को भूमि वापस करने की प्रक्रिया तय की गई है। गौरतलब है कि टाटा इस्पात संयंत्र के लिए इन किसानों की जमीन वर्ष 2018 में अधिग्रहित की गई थी, लेकिन संबंधित कंपनी ने वहां अब तक कोई उद्योग नहीं लगाया है। नाबार्ड द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षित करने बालोद जिले के गुंडरदेही में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम और सम्मेलन में नाबार्ड द्वारा महिलाओं को साबुन, वॉशिंग पाउडर, फिनाइल, अचार, पापड़ सहित अन्य निर्माण इकाइयों के लिए प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एनपी महापात्रा ने समूह की महिलाओं को नाबार्ड की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नाबार्ड स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को ब्रांड के रूप में स्थापित करेगी।
सब मिलके जो एग्रीकल्चरल वर्कर है सब मिलके ग्रुप बनाए और वही कोलेटरल होगा। हमने बैंक को निर्देश दिया है कि आप उनका फाइनेंस करें, हम फाइनेंशियल सपोर्ट उसको करने के लिए हम डिफरेंट संस्था को देते हैं और जेएलजी हमें जहां किसी का कोई कोलेटरल ना हो जेएलजी उभर के आई है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए और उसमें उनका सेविंग्स भी बनता है और क्रेडिट भी बनता है। वर्तमान में क्या स्थिति है जेएलजी का, कितना काम कर पा रही है? हमारे राज्य में अभी जेएलजी का शुरुआत हुआ है। हमने छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के साथ जेएलजी बनाने के लिए 1500 जेएलजी बनाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए। श्री महापात्रा ने बताया कि कृषि और उससे जुड़े कार्य करने वाली संयुक्त देयता समूहों के सशक्तिकरण में भी नाबार्ड सहयोग कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द ही और 1500 संयुक्त देयता समूहों का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री शमशाद बेगम विशेष रूप से मौजूद थी। नारायणपुर के ग्राम बासिंग में माड़ महोत्सव 2019 का रंगारंग शुभारंभ हुआ। महोत्सव की शुरुआत में पारंपरिक रीति रिवाज और विधि विधान के साथ आसपास के गांव के देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। इसे मड़ई परिक्रमा की रीति कहा जाता है। शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि विधायक चंदन कश्यप इस रीति में शामिल हुए। 3 दिवसीय इस महोत्सव में आज सुबह 3000 से अधिक धावकों ने हाफ मैराथन में हिस्सा लिया। महोत्सव में लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई जा रही है। पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों की परेशानियों का निराकरण करने दंतेवाड़ा में पुलिस दरबार लगाया गया। दरबार में आए सुझावों को पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने पुलिस मुख्यालय भेजा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों को हफ्ते में एक दिन के अवकाश के बजाय 4 दिनों की एकमुश्त छुट्टी देने, इसके अलावा आवास लोन, बच्चों की फ्री कोचिंग और लंबे समय से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिस कर्मचारियों को उनके गृह जिले में भेजने का सुझाव शामिल है। नक्सल एरिया में जो कर्मचारी 8-10 साल से लंबे टाइम से काम कर रहे हैं उनको गृह जिला में यदि पोस्टिंग हो जाए तो उनके स्ट्रेस को हटाने के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। वैसे ही यहाँ पे लोन ऋण की प्रॉब्लम आई है कि काफ़ी पुलिसकर्मियों को जो पैसे की जरूरत पड़ती है टाइम पे लोन नहीं मिलता तो वो बाहर जाके जो माफियाज हैं उनसे जाके पैसा लेते हैं जो कि उनके काम में भी दबाव बनाते हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी वसूल लेते हैं और इसी कारण काफ़ी पुलिसकर्मी सुसाइड भी कर लेते हैं। तो हमारा सुझाव है कि 1 करोड़ रुपये हर जिले में रोटेटिंग फंड में रखा जाए जो कि उनको लाइन फंड की तरह उनको दिया जाए जरूरत पड़ने पर और बाद में उनकी तनख्वाह से काट लिया जाए। पुलिस हॉस्पिटल की बात आई है क्योंकि नक्सल क्षेत्र में डॉक्टरों की बहुत कमी है तो पुलिस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की तैनाती हो जाए 10 बेड का हॉस्पिटल बन जाए तो इससे काफ़ी लोगों को रिलीफ मिलेगा और काफ़ी उनके पैसों की उनकी बचत भी होगी। तो निश्चित रूप से काफ़ी सारे सुझाव आए हैं उसको हमने पुलिस मुख्यालय को भेजा। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस जवानों को कोई भी दिक्कत हो तो वे उनसे तुरंत संपर्क कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह का 352वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर रायपुर में नगर कीर्तन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी नगर कीर्तन में शामिल हुए। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी में मत्था टेका और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रुद्रगुरु और विधायक कुलदीप जुनेजा भी मौजूद थे। नगर कीर्तन के दौरान गुरु के अनुयायियों ने आकर्षक करतब भी दिखाए। नगर भ्रमण के दौरान पूरे समय शब्द कीर्तन होता रहा। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश में छत्तीसगढ़ी समाचार के लिए नैमित्तिक समाचार वाचक सह अनुवादक के पैनल का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 21 जनवरी तक डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर जमा किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आकाशवाणी केंद्र सिविल लाइंस रायपुर से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन के साथ सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को ₹300 और अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को ₹225 का बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण। चौबीसवीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता रायपुर में शुरू। देश भर के करीब 2500 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा।
खेलो इंडिया के दूसरे संस्करण का खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पुणे में किया उद्घाटन। और बस्तर में इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित 1700 से अधिक आदिवासी किसानों की जमीन वापस करने सरकार ने जारी किया आदेश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।